हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना। वेलकम टू माय चैनल फूड शेफ। आज की रेसिपी है बादाम लड्डू। दिमाग को तेज़ रखने के लिए और सेहत अच्छा रखने के लिए ये बादाम लड्डू आप रोज़ खा सकते हैं। इसे बनाकर 3-4 महीने आराम से खाया जा सकता है। अब तो सर्दियां आ रही हैं, तो इससे अच्छा और हेल्दी तो कुछ हो ही नहीं सकता है। बच्चे या बड़े दोनों को आप आराम से खिला सकते हैं। तो आइए बनाते हैं इस बादाम लड्डू की रेसिपी को। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बादाम लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले तो एक पैन गरम करें और उसमें डाल दें करीब 400 से 500 ग्राम बादाम। गैस का फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम पर करें और इसे लगातार चलाते हुए इसी तरीके से भूनते रहें। तेज आंच पर ना भूनें, थोड़ा समय लगेगा लेकिन बादाम जो है अच्छी तरह भून जाएगा। इसे करीब 10 मिनट तक मैंने भूना है। अब करीब 10 मिनट हो चुका है इसे भूनते हुए। इसे किसी परात में निकाल कर एक साइड रख लें और ठंडा होने दें। अब वापस से इसी पैन को गरम करें, एक बार इसे साफ़ कर लें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 कप गेहूँ का आटा। इसके साथ मैं डाल रही हूँ 1 कप देसी घी। देसी घी थोड़ा सा कम या ज़्यादा आप डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें 1 कप ही डालें, क्योंकि घी इसमें हम बाद में भी डालेंगे। गैस का फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम पर कर लें और इसी तरीके से चलाते हुए इसे भूनते रहें। और ये जो मेजरिंग कप है मेरा वो 250 ml का है। तो बस आटे को इसी तरीके से भूनना है हमें। अब करीब 10 मिनट ये हो चुका है और आप देख सकते हैं आटे का जो कलर है चेंज हो चुका है। गैस का फ्लेम बंद कर दें और इसे किसी परात में निकाल कर एक साइड रख लें। बड़ी सावधानी से ये काम करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। बस इसे एक साइड रख लेते हैं। 1 से 2 मिनट इसे ठंडा करना है, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। अब ये जो बादाम हमने भून के रखा था उसे एक ग्राइंडर में डाल दें और हल्का दरदरा पीस लें। ग्राइंडर को 2 से 3 बार चलाएं, बहुत ज़्यादा ना चलाएं। इसका पाउडर ना बनाएं, मैं तो यही कहूँगी, इसको हल्का दरदरा ही रखें। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। जो खड़े हिस्से हैं उसको एक बार फिर से इसमें डाल दें। बाकी का बादाम भी इसी तरीके से पीस लेंगे। ग्राइंडर को कवर करें और 2 से 3 बार चला लें। बस सारा बादाम मैंने इसी तरीके से पीस लिया है। आप देख सकते हैं ये हल्का दरदरा है, पाउडर मैंने नहीं बनाया है क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। इसकी मिठास के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ गुड़ का बूरा। गुड़ का बूरा जो होता है पके हुए गुड़ का पाउडर होता है, जैसे कि चीनी का बूरा होता है। ये भी मार्केट में आपको आसानी से मिल जाता है। आप चाहें तो इसमें चीनी का बूरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हेल्दी रेसिपी बना रहे हैं और बच्चों और बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप गुड़ का बूरा इस्तेमाल करें, सेहत के लिए अच्छा है क्योंकि गुड़ में बहुत आयरन होता है। तो बस इसे अच्छी तरह एक बार मिक्स कर लें। मिक्स करते समय लग रहा है कि परात थोड़ा छोटा पड़ रहा है, तो मैं इसे दूसरे में पलट लेती हूँ ताकि मिलाने में आसानी रहे। इसमें महक लाने के लिए मैं डाल रही हूँ 8 से 10 हरी इलायची। इसे कूटकर अच्छा सा पाउडर बना लें और इसका जो छिलका है उसे आप चाय पत्ती में इस्तेमाल कर सकते हैं चाय बनाने के लिए। बस इस पाउडर को इसमें डाल दें। इसकी बाइंडिंग के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ देसी घी। देसी घी आप ज़रूरत के अनुसार डालें, जितना कि हमें बांधने के लिए चाहिए। बहुत ज़्यादा एक बार में ना डालें, मिलाकर देख लें। अगर इस तरीके से बाइंड हो रहा है तो इसका मतलब है अब इसमें देसी घी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस टाइट हाथों से इस तरीके से लड्डू बनाते जाएँ। बाइंड करने के लिए अगर आपको लगता है कि ये सूखा लग रहा है तो इसमें देसी घी का ही इस्तेमाल करें। दूध या पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, नहीं तो ये लड्डू ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, ख़राब हो जाएगा। देसी घी डालने से क्या है, इसकी लाइफ बहुत लंबी रहेगी। तो बस इसी तरीके से सारा लड्डू बनाकर तैयार कर लें। इसे बनाकर आप बाहर ही रखें, फ्रिज में बिल्कुल ना रखें। इसे फ्रिज में नहीं रखना है हमें, किसी एयर टाइट कंटेनर में आप बाहर इसे 3-4 महीने आराम से रख सकते हैं। और अगर सर्दियों में बना रहे हैं तो पूरी सर्दी इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये बादाम लड्डू की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।
या तो वीडियो देखने के बाद इसे बनाएं, खाएं, उसके बाद कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।